दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मार्केट कितना ज़ोरदार आज चला। आईटी इंडेक्स देखेंगे, चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो लार्ज कैप हो, कितना शानदार भागते हुए देखने को मिला। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी आज भी गिरते हुए देखने को मिला है। तो ये गिर क्यों रहा है, ये हम थोड़ा सा परेशानी जानने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो इन्वेस्टर के माइंड में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, अपने ऊपर गुस्सा करने लगता है, कुछ भी मतलब वो उल्टा सीधा करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक भाग रहा था, जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, और स्टॉक को यहाँ पकड़ लिया और वो गिरने लगा, उसके साथ हमेशा उल्टा होता है। तो यही हम चीज़ कारण आप लोगों को, ये परेशानी जो आप लोगों के साथ है वो हम आगे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का लिंक दिया है। आपने अभी तक अभी हमारी जो प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वाले लेवल्स भी मिलेंगे। हर वीकेंड पे दोस्तों वीकली ट्रेडर्स, और अगर मैं बात करता हूँ जो स्विंग ट्रेड के स्टॉक है वो भी मिलेंगे, और आप लोगों के लिए दोस्तों टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो भी मिलेंगे, जो आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का अगर परफॉर्मेंस आज की डेट में देखें तो लगभग 2.3% ये स्टॉक गिरा है। 1347 रुपये के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। चार्ट पैटर्न देखेंगे, पहले ऊपर भागा था, ठीक है, ये उम्मीद से कि अच्छा खासा मोमेंटम होगा, लेकिन नहीं, फिर गिरावट, फिर देखेंगे तो फिर स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। अगर यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो 1325 रुपये पर ओपन हुआ, 1386 रुपये तक हाई भी लगाया और 1200 रुपये का 85 का लो भी लगाया, मतलब 1300 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो इसने ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक करा हम वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट है उसके कारण हमें इसमें गिरावट देखने को मिली। तो इसमें ऐसा क्या गड़बड़ी हमें देखने को मिला, आप देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेट वाला प्रॉफिट है वो हम देखते हैं। ये लेट इवनिंग पेश किया था, लगभग 9:45 के समथिंग, तो हम आप लोगों को अपडेट नहीं किए कर पाए थे, वो आज भी अपडेट करेंगे और रीज़न भी हम जानेंगे, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर 2020 2021 2021, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू फॉर जो कस्टमर के अकॉर्डिंग जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो अदर इनकम, अगर हम दोनों इनकम को मिला के अगर देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 25,387 की यहाँ पर मतलब रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। मार्च क्वार्टर में था 22,374 का, और अगर मैं बात करता हूँ जून 2020 की, ठीक एक साल पहले, तो वहाँ था 18,699। यहाँ पर अगर देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी रेवेन्यू को बीट किया है, और ईयर ईयर भी यहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के रेवेन्यू में, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाता है, तो एक्सपेंसेस अगर देखें तो एक्सपेंसेस में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें रहती है, फाइनेंशियल कॉस्ट, कंपनी की मेंटेनेंस चार्ज, एम्प्लॉय की सैलरी और वगैरह वगैरह वाले खर्चे। तो आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 19,659 का क्या किया है, खर्चा किया है। मार्च क्वार्टर में दोस्तों खर्चा हुआ था दोस्तों 17,450 का, और अगर देखें जून 2020 में हुआ था दोस्तों 14,615 का। ऑब्वियसली बात है कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया है दोस्तों सालाना तौर पे क्वार्टर टू क्वार्टर, तो डेफिनेटली कंपनी खर्चा भी बढ़ाएगी। देन उसके बाद जो नेट प्रॉफिट कंपनी के हाथ में बचा था वो यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, आप देखिए 5,728 का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 4,924 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और 4,084 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी बहुत ही अच्छा और शानदार हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक जो गड़बड़ी रहती है एक्सपेंसल आइटम की, एक्सपेंसल आइटम ये हमारे लिए एक डाउट का पॉइंट बने रहता है। कंपनी इसको अपने प्रॉफिट में क्यों जोड़ती है, अपने प्रॉफिट में से क्यों माइनस करती है, ये समझ में नहीं आता। ये एक वो बोल सकते हो कि ये एक्सपेंसल आइटम, मतलब इसको जोड़ो तो सही है, नहीं जोड़ो तो भी सही है, आप इस प्रकार से बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इस क्वार्टर में लगभग 609 का यहाँ पर जोड़ा गया है, शायद हो सकता है वो 609 करोड़ भी हो या 609,000 भी हो, मतलब इस प्रकार से आप कुछ भी बोल सकते हो, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो हम तो दोस्तों जो प्रॉफिट है ना वो खाली इसको ही मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको मानने के कारण अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो कितना रह गया है, बहुत कम हो गया है, ठीक है।
ये टैक्स पे करने के पहले की बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी के कारण दोस्तों कंपनी को इस क्वार्टर में फिर टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ा। आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी ने 1546 का टैक्स पे किया है, ठीक है, मार्च क्वार्टर में किया था 1319 का, और यहाँ पर तो कंपनी को और भी मतलब कंपनी का जो टैक्स था वो माइनस में चले गया था। तो आप देखेंगे ना, तो आप देखिए अब जो प्रॉफिट है कंपनी का वो कहाँ से कहाँ हो गया, मतलब पूरा उल्टा हो गया। अगर जो नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ ना, जब प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये सब उल्टा हो गया। किसके कारण? खाली ये जो एक्सपेंसल आइटम ऐड किया गया दोस्तों उसके कारण। तो मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, अगर मैं इसको प्रॉफिट मानता हूँ तो कंपनी ने बहुत ही शानदार अपना यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है, चाहे वो रेवेन्यू में हो, चाहे वो ईबीटा मार्जिन में हो, या किसी में भी हो, ठीक है। फिर भी दोस्तों जो दूसरे इन्वेस्टर रहते हैं उनको ये बात नहीं पता चलती, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर रिजल्ट पकड़ के चले जाते हैं और वो बस यहाँ पर आके देख लेते हैं कि क्या हाल हुआ है कंपनी का, ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद फिर वो ईपीएस पे नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पर क्या कंपनी का हाल हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर भी गड़बड़ी दिखी तो कल जाके इसको शॉर्ट कर देंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ये दिक्कत दोस्तों हमारे देश के जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर है, उनमें बहुत बेकार देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों एक दिग्गज कंपनी है मार्केट की, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। 2020 में दोस्तों जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, ठीक है, आईपीओ के माध्यम से, जब इसने 120% की लिस्टिंग गेन दी थी, 120% की, मतलब 2020 का है ना सबसे बड़ा आईपीओ ये कहलाता हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात तो आप ये भी देखें ना, इन्फोसिस कहाँ है, ठीक है, माइंडट्री कहाँ है, एक लार्ज कैप कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है। दोनों ही कंपनी में दोस्तों अशोक सुट्टा जी एक हायर पोस्ट पे रह चुके हैं और दोनों कंपनी को उन्होंने कहाँ ला के खड़ा किया ये आप देख सकते हो। और इन दोनों ही कंपनी के कंपैरिजन में उन्होंने अपनी आईटी दिग्गज कंपनी बनाई जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। तो ये कंपनी दोस्तों बेकार कैसे हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर मौका मिल रहा है। चाहे मान लीजिए आपने 1550 रुपये से स्टॉक में बाय किया हो, 1580 जो इसका 52 भी कहा है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हो और आप भर भर के लॉस में दिख रहे हैं, यहाँ पर खरीदिए, यहाँ पर खरीदिए। मैं बोल रहा हूँ ये स्टॉक अगर हज़ार के नीचे भी आ जाता है ना तो भर भर के खरीदिए दोस्तों। जब ये रिवर्सल लेगा ना तो मैं बोल रहा हूँ किसी से नहीं रुकेगा, क्योंकि IRCTC के साथ क्या हुआ था आप लोगों ने देखा होगा। IRCTC जब 2019 में लिस्टेड हुआ, जब से बूस्टअप देके गया, ठीक है, लगभग 1950 रुपए तक उसने अपना 52 बिक का हाई बनाया, ठीक है। देन उसके बाद पेंडेमिक आया, पूरा गिर गया लगभग 600-700 रुपए तक आ गया। लेकिन जब उसने अब पूरे साल भर में रिवर्सल दिया ना तो 2300 से ऊपर निकल गया। तो यही चीज़ दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए कि कंपनी का मोमेंटम क्या, बस आप तो आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो अभी भी हमें बढ़ते देखने को मिल रहा है, ईबीटा मार्जिन है वो अभी भी हमें बढ़ते देखने को मिल रहा है, किसी में कुछ नहीं दिक्कत है, बस जो एक्सपेंसिव आइटम है वो हमें ऐड होते देखने को मिल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा जो टैक्स की कटौती थी वो बढ़ गई, वो कम होना था तो वो बढ़ गया, जिसके कारण हमें कंपनी का जो डिक्लाइन प्रॉफिट है वो 29% तक नीचे जाते देखने को मिला है, बस और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को दोस्तों बिल्कुल भी दिमाग से हटा दीजिए कि कंपनी बेकार है, ठीक है। कंपनी दोस्तों जोरदार है जो आने वाले दिनों में आपको बहुत शानदार रिटर्न देगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 29%, मतलब लगभग 36 करोड़ तक इसने मुनाफा दर्ज किया है, ठीक है। अगर देखें तो अगर इसका देखें जाए तो देखिए, जो पता है कंपनी सबको कि बेंगलुरु बेसिस है, ठीक है, जो इसका सालाना तौर पे प्रॉफिट अगर देखें तो 29% तक नीचे आया है, ठीक है। द कंपनी विच लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज सितंबर 2020 हैज़ पोस्टेड नेट प्रॉफिट 50 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब दोस्तों 2020 में जून क्वार्टर में इसने ना 50 करोड़ का प्रॉफिट पे किया था और यहाँ पर मात्र कितना पे किया दोस्तों, मतलब अपना 36 करोड़ के समथिंग का ही पे किया, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा तक हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखे जाएं तो नीचे अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है मार्केट में वो हम बढ़ते देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी अगर जो बात करते हैं कि जिस प्रकार से हर कंपनियों की ग्रोथ दिखी है, ठीक है, वो इसमें भी देखने को मिली है, जितनी भी आईटी कंपनी है, बस प्रॉफिट ही हमें कम होते देखने को मिला है, जिसके लिए आज स्टॉक को क्या किया गया है, औंधे में गिरा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक कल भी भागा था, आप देखेंगे ना तो ये देखिए कल जब भागा था ना तो अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, जो इसने गिरावट लगभग दोस्तों लास्ट एक महीने में दिखाई है, आप बोल सकते हो कि लास्ट 5 दिन में दिखाई है 6% की, इतनी आप मान सकते हो, ठीक है, वो आपको एक झटके में कवर करके
करके दे सकता है। बाकी लास्ट एक साल का परफॉर्मेंस तो कौन भूलेगा। यहाँ तक अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पर तो 300% का रिटर्न, कितना 300% का रिटर्न, जो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि स्टॉक 6% दोस्तों सस्ता मिल रहा है, ठीक है। 6% अगर यही स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो यही 6% आप लोगों को बहुत जल्दी रिकवर होते देखने को मिलेगा। देन ये 300% का जो रिटर्न है वो कब 3000 में बदल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और भी कुछ चीज़ें इस कंपनी से रिलेटेड पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो, आपकी कमेंट का भी प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आप लोगों को इसी प्रकार के मोटिव वाले, अवेयरनेस वाले वीडियो अपडेट करते रहते हैं, जो आप लोगों को मार्केट में अवेयर करे, ठीक है, और आप लोगों को काफ़ी अच्छी हेल्प करे दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को एक हेल्प के तौर पर देखिएगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ भी परेशानी आती डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर हम करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।